हे गाइस, मैं मीना महेश्वरी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज हम बनाएंगे विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी की टैबलेट। यहाँ पर मैं विटामिन सी की 2 टैबलेट लेकर उसका फाइन पाउडर बना लूँगी। विटामिन सी इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी अगर हम डेली लगाएंगे तो हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स, दाग, धब्बे सब कम हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 10 से 15 मिनट सब्र करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक रात में लगाए और सुबह में सब गायब हो जाए, नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दिया है और 1 विटामिन ई का मैं टैबलेट का कैप्सूल डाल दूँगी। आप जितने जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हो सब में विटामिन ई होता है, तो ये मैंने वहाँ पर डाल के 10-15 मिनट में इसको छोड़ दूँगी ताकि विटामिन ई टैबलेट अच्छे से उसमें घुल जाए। यहाँ मेरा विटामिन ई अच्छे से घुल गया है, अब मैं इसको एक डार्क बोतल में डालूँगी। हमेशा आप विटामिन सी सीरम जब भी बनाएं तो डार्क बोतल में ही रखिएगा। अगर आपके पास ऐसी डार्क बोतल नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में कोई भी कफ वाली बोतल हो आप उसमें डाल दें और हमेशा ड्रॉपर ही यूज़ करें, क्योंकि अगर हम फिंगर से करेंगे तो उसमें नमी हवा जाती है, वो इतना वर्क नहीं करता है। और 7 से 8 दिन के लिए बनाएं और फिर फ्रेश बनाएं और हमेशा इसको फ्रिज में ही रखें। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम बाहर ही बना के छोड़ देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।